नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर फेसबुक लाइव पर। इस समय हम मौजूद हैं टंकी के बालाजी के मंदिर के पास, जहां पर आप देख सकते हैं कल योगी आदित्यनाथ की जो सभा होने वाली है उसके सीधे लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं। यहां पर उस पंडाल की, भव्य पंडाल की तैयारियां शुरू हो चुकी है, तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। हालांकि तैयारियां अभी भी पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन लगातार जो है वो काम शुरू चल रहा है। बताया जा रहा है कि पूरी रात आज काम किया जाएगा ताकि योगी आदित्यनाथ की जो सभा है उसके लिए इस पूरे पंडाल को तैयार किया जा सके। ये पंडाल आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर सभा होने वाली है उसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है, और कई लोगों के यहाँ जुड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। भीलवाड़ा में जब लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हुई हैं, उन सब के बीच में योगी आदित्यनाथ भीलवाड़ा आ रहे हैं और समर्थन में रैली करेंगे मांडल के लिए, भीलवाड़ा के लिए। दो बड़ी विधानसभाएं जो हैं, जहां पर एक तो मैं भाजपा के लिए इस समय पहली बार 15 सालों में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, तो योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। एक तरफ बताया जा रहा है कि भीलवाड़ा में मोदी जी नहीं आएंगे, कोठड़ी पहुंच रहे हैं मोदी जी। अभी तक तैयारियां पूरी नहीं हुई हैं, कुछ ही पंक्तियों में अभी कुर्सियां अभी तक लग पाई है, लेकिन ये सभा स्थल है। क्या आप योगी जी के कार्यक्रम में आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के कार्यक्रम में, जिन्हें आनंद बिष्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आप आएंगे या नहीं आएंगे, ये एक बात आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप इनके कार्यक्रम में आने वाले हैं या नहीं। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है जो तैयारियों को पूरा कराने में जुटा हुआ है। कई मजदूर भाई हैं जो इस कार्यक्रम की को पूर्ण रूप से तैयार करने के लिए जुड़े हुए हैं। लगातार तैयारियां चल रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप क्या यहां पर योगी की इस सीएम योगी की इस सभा को देखने पहुंचेंगे। कहां कहां से लोग आएंगे वो भी आप बताइएगा। और चुनावों को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। भीलवाड़ा लोकवाणी, भीलवाड़ा का पेज लगातार चुनावों के लाइव माध्यम से आपको खबरें दे रहा है, उन पर आपकी क्या राय है विधानसभा चुनावों को लेकर राजस्थान में, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के आसपास मांडल, शाहपुरा, गुलाबपुरा, आसीन, सब जगहों पर, कस्बों में भी क्या हाल है। आप अपने कस्बों का हाल बताइए, अपने वार्ड का हाल बताइए, और बताइए किस तरीके से आने वाले चुनाव को आप देखते हैं, ये बात आप जरूर बताइएगा। बाहर से आपको पंडाल दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ, क्या तैयारियां पूरी हो जाएगी, कब तक होगी तैयारियां? कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, और पहली बार योगी जी भीलवाड़ा में पधार रहे हैं। हाँ, क्या और इतने जोर शोर से इनका स्वागत होगा। हाँ, एक मिनट बिल्कुल बिल्कुल आराम से। हाँ, इतने जोर शोर से इनका स्वागत होगा और विट्ठल शंकर अवस्थी इतने वोटों से जीतेंगे कि पहले का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, पहले का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। आप बीजेपी के समर्थक हैं? हाँ, बीजेपी के समर्थक हैं। और जब से मतलब वो संभाला, जब से मेरा वोट आया ना, जब से मैं बीजेपी को दे रहा हूँ, बीजेपी को दे रहा हूँ। जैसे ही अगर मान लीजिए जैसे निर्दलीय का जो माहौल बन रहा है ना भीलवाड़ा में, लेकिन ये माहौल कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही आदमी अंदर वोट देने जाएगा उसकी उंगली अपना आप ही फूल के ऊपर टिक जाएगी, अपने आप जाएगी चुंबक की तरह, मतलब चुंबक की तरह जैसे फूल पे टिकेगी और उनको फूल और मोदी दिखेगा। क्या बात है, कैंडिडेट यहाँ पे कोई भी खड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं, मतलब मोदी और फूल को पसंद करते हैं सब, मोदी और फूल को पसंद करते हैं। 100% विट्ठल शंकर अवस्थी जीतेंगे, विट्ठल शंकर अवस्थी जीत रहे हैं। और बाकी सीटों से, बाकी सीटों पे भी बीजेपी आ रही, क्या हो रहा है? मतलब मांडलगढ़ में बीजेपी आएगी। हाँ, गंगापुर में बीजेपी आएगी, लादूलाल पितली आराम से जीतेंगे। हाँ, जाजपुर से गोपीचंद मीणा जीतेंगे। हाँ, और यहाँ से राम, ये क्या बोलते हैं, मांडल से उदयलाल बडाना जीतेंगे। अच्छा, ये थोड़ी सी टक्कर है तो यहाँ है आसीन में, आसीन में टक्कर है। किसके साथ?
मतलब आसीन में टक्कर गया कि त्रिकोणात्मक हो गया। एक तो धनराज गुजर और हगामी लाल मेवड़ा और जबर सिंह सांकला। अच्छा। उसमें मतलब त्रिकोणात्मक संघर्ष में एक और आपकी पार्टी से छोड़कर अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं शाहपुरा में, उनका क्या उनके लिए? खिलाजी मेघवाल, देखो ऐसा है, दल कोई नहीं है। अगर वो खिलाजी मेघवाल अगर बीजेपी से लड़ते हैं तो पहले जो चुनाव में जीते ना बम्पर वोटों से जीते, पूरे राजस्थान विधानसभा में सबसे ज्यादा मतों से कैलाश मेघवाल ही जीता था क्या। लेकिन उनका कोई दल ही नहीं है। अब जिसका कोई दल ही नहीं है तो उसका कोई औचित्य नहीं रहता है। और जो पार्टी सिंबल पे लड़ता है ना चुनाव, वही महत्व रखता है, वही महत्व रखता है। अच्छा, बीजेपी राजस्थान में कितनी सीट ला रही है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से बीजेपी राजस्थान में 130 से 135 सीटें ला रही है। 130 से 135 सीट। अच्छा, ये जो सभा हो रही है योगी जी की, कितनी सीटें लगेगी यहाँ पे, कितने चेयर के प्रावधान किया जा रहा है यहाँ पे? चेयरों का कम से कम 60 से 70 हजार की, 60-70 हजार। कितनी भीड़ उम्मीद कर रहे हैं आप? भीड़ जैसे मोदी जी आए थे ना एक बार मोदी ग्राउंड में, जैसे पूरा भीलवाड़ा जाम हो गया था ना, उससे भी ज्यादा भीड़ आएगी। कितनी बसें लगी हैं बीजेपी की तरफ से? बीजेपी की तरफ से कम से कम नहीं तो हर एरिया में सारे, जैसे मांडलगढ़ है, बिजोलिया है और अपने सापरा कोटरी सब जगह से बसें करीबन कम से 450 के आसपास, 450 बसें आ रही है। और बहुत सारे जन जी क्या बता रहे स्वेच्छा से अपनी गाड़ी से आ रहे हैं देखने, योगी जी से मिलने बहुत सारे जने। क्या नाम है? कोई आप मनीष शर्मा नाम है जी, हाँ। और कोई यूं नहीं कह सकता है कि भाई कौन कहाँ से आएगा, योगी जी को देखने पूरे भिलवाड़ा के वासी आ रहे, जिले के। और एमएलए एमपी आ रहे हैं? बिल्कुल सब आएंगे, सातों विधानसभा के। सातों विधानसभा की पता नहीं है, तीन विधानसभा के तो आएंगे ही आएंगे। कौन कौन? बाकी लादूलाल जी पिदलिया, उदयलाल जी बडाणा और हमारे शहर के विठल शंकर जी अवस्थी, गोपाल जी और गोपाल जी खंडेलवाल भी आएंगे। मुझे ये पता नहीं तीन की पता है, मगर बाकी जो लोगों का जो योगी जी के प्रति जो उनको देखना, क्योंकि भिलवाड़ा में पहली बार आ रहे हैं, भिलवाड़ा में पहली बार आ रहे हैं, राजस्थान के जितने भी बीजेपी के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि योगी जी जैसा मुख्यमंत्री हो। तो अब किसको देखना चाह रहे हैं वैसे मुख्यमंत्री? योगी जी जैसा मुख्यमंत्री हो, हम तो ये कहेंगे उसकी जो सोच, उसकी छवि, जिन्होंने यूपी को पूरा बदल दिया, ऐसा मुख्यमंत्री जो भी आएगा ऐसा ही आएगा, ऐसे ही आएगा, बिल्कुल राजस्थान में ऐसा ही आएगा। और वो भिलवाड़ा आ रहे हैं तो पूरे भिलवाड़ा जिले की पब्लिक उलट नहीं जाए, देखो आप, चलिए ऐसी स्थिति हो सकती है। ये भिलवाड़ा में मोदी जी आने की भी बातें चल रही थी, फिर क्यों कैंसिल हो गया? मोदी जी नाराज क्यों हो गए? मोदी जी कोटड़ी आ रहे हैं, भिलवाड़ा जिले में आ रहे हैं, भिलवाड़ा शहर में भी आते तो सातों विधानसभा का यहाँ प्रोग्राम होता। कोटड़ी आ रहे हैं, कोटड़ी भी हमारे चार भुजानाथ बैठे हुए ईस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। कोटड़ी आ रहे हैं सातों विधानसभा के रिझाने के लिए, वो कोटड़ी आ रहे हैं। किसको रिझाने के लिए? गुजरों के वोटों को बीजेपी में ट्रांसफर करने के हिसाब से वो कोटड़ी आ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि धीरज जी गुजर का प्रभुत्व कोटड़ी में गुजर समाज की तरफ ज्यादा है, तो मोदी जी इसलिए वहाँ पे आ रहे हैं, चार भुजा जी के दर्शन करके और गुजरों में वोटों को सीधा बीजेपी में ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, इस बात में कोई सच्चाई है क्या? क्योंकि प्रियंका जी की सभा हो रही है इसीलिए बदल दिया एंड टाइम पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। प्रियंका का कोई ना तो रुतबा है ना कोई है, प्रियंका का कोई फर्क नहीं पड़ना है। केवल मोदी जी को लगा या पार्टी को लगा कि कोटड़ी हमारे जो इष्ट बैठे हैं वहाँ पे, भिलवाड़ा पूरा शहर उनको मानता है, तो शहर में आओ चाहे हमारे चार भुजा नाथ के वहाँ आओ, बढ़िया है, चार भुजा नाथ के दर्शन करेंगे। मोदी जी भी चार भुजा नाथ के दर्शन करेंगे तो वहाँ आ रहे हैं, योगी जी हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारे तो डबल इंजन की सरकार दिख रही है यहीं पे दिख आज और कल में। चलिए, अच्छा अब हमारे दर्शकों के लिए 40-50 लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ, आप उनके लिए बता दीजिए, लाइव चल रहा है कि कल कितनी बजे जो योगी जी का जो कार्यक्रम है वो कितनी बजे शुरू हो जाएगा, वो यहाँ पे कैसे आ रहे हैं, कहाँ पर आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? योगी जी यहीं पे आएंगे, दिन में 2 बजे करीब आ जाएंगे और यहीं पे आएंगे कल। एक्चुअल में टाइम 2 बजे के आसपास का दिया हुआ है, करीब करीब, लेकिन 2 बजे के बीच से 3 बजे के आसपास आएंगे। 3 बजे सभा, तो 2 बजे का दिया रखा है। उनका भाषण कब शुरू होगा? उनका भाषण करीबन 3:15-3 बजे के आसपास, 3 बजे सवा 3 बजे शुरू होगा। और कोई रोड शो की भी प्रावधान है क्या कल उनका भिलवाड़ा शहर में? रोड शो क्या कोई प्रावधान नहीं है सर, कोई नहीं है। चलिए, तो ये थे कुछ समर्थक जो यहाँ पर कार्य देख रहे हैं। जी क्या लगता है कैसी होगी कल की सभा यहाँ पे योगी जी की? बहुत अच्छी होगी साहब, बहुत अच्छी होगी और बीजेपी के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है ये। हाँ। और चार भुजा नाथ का जो बेवान रोक कर इन लोगों ने उसका बदला लेने मोदी जी वहाँ आ रहे हैं। अच्छा, कि भाई चार भुजा जी का बेवान रोका तो भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं वो, कि भाई दर्शन करने आ रहे हैं, रैली करने, दर्शन और रैली दोनों है ना, दर्शन तो होने ही है कि भाई उनका बेवान रोका है, कि भाई बारात जब यहाँ भिलवाड़ा आई थी और इसे गहलोत सरकार ने उसको रोकने की कोशिश की,
आखिर क्या है वहाँ, चमत्कार है तो उनके दर्शन भी करेंगे, मोदी जी डायरेक्ट दर्शन करने के बाद सभा में जाएंगे। ठीक है, और योगी जी की सभा कैसे होने वाली है? योगी जी की तो टॉप जाएगी, कल छापरा में भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, हम जाके आए आज, वहाँ भी बहुत अच्छा है, तो वहाँ का कार्यक्रम है, उसके बाद सीधे यहाँ आएंगे, मोदी ग्राउंड में उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। अच्छा, और 1:30 से 2 बजे के बीच में यहाँ पहुँच जाएंगे। 1:30 से 2 के यहाँ पहुँच जाएंगे। आप कहाँ पे रहते हैं? मैं यहाँ सुभाष नगर ही रहते हैं जी। आप भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के? क्या नाम है सर आपका? देव जी, क्या लग रहा है कल क्या माहौल होने वाला है? जो राम जी को लाए वो है, वो राम जी का है। अच्छा, ये राम जी के नाम पर वोट मांगना सही बात है क्या? राम जी के नाम पर क्या मांग रहे तो किसके? उन्होंने तो नहीं कहा जो मैं राम के नाम पे मांग रहा हूँ। उन्होंने तो कहा ही नहीं मैं राम के नाम पे मांग रहा हूँ। कहेंगे तभी वो नहीं, वो सनातन है, सब मानते हैं, सब अपना अपना धर्म है, ठीक है, वो सनातन को मानते हैं, हम सनातन को मानते हैं, ठीक है, तो वो आ रहे हैं तो सनातनी प्रेमी भाई सब पधारेंगे। चलिए, तो ये आपको हमने सभा स्थल दिखाया, यहाँ पे कार्यकर्ता हैं जो बिल्कुल अपनी जान बान आन लगाकर यहाँ पर सभा के लिए तैयारियां करवा रहे हैं, और ये आपने देखा। कल आप भी यहाँ पर आइए और योगी जी की सभा को देखिए। आप लाइव पर हमारे साथ बने हुए थे बिलवाड़ा लोकवाणी पर। आप सभी का धन्यवाद, शुभ रात्रि।